हरदोई के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया और उसके बाद पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुसार वो काम करेंगे और इसके अलावा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा नवागंतुक एसपी अनुराग वत्स ने थाना और पुलिस कार्यालय पर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारित कराए जाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग वत्स इसके पूर्व कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उनकी छवि ईमानदार और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में की जाती है। सिर्फ फॉर्मल हो रही है, आप क्योंकि थोड़ा सा ही फीडबैक में ही ज़्यादा समय लगाए। वो हो जाएगा आपको बहुत धीरे धीरे जल्दी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। वो भी थोड़ा सी पुलिस को एक ऐसा भाग है कि वो ट्रेन हो गया इंजन के हिसाब से। द पंजौरा न्यूज़ के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।